बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक खास मकसद से देश की राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस मकसद में उनकी तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में से एक बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना है। मिशन 2024 में जुटे नीतीश कुमार इस वक्त उस भूमिका में हैं, जो भटके और अटके हुए विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए वो विपक्षी नेताओं से दनादन मीटिंग कर बीजेपी के खिलाफ लामबंदी में जुटे हुए हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात का सिलसिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से गुजरता हुआ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी से होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा। केजरीवाल से मुलाकात के दौरान बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे, क्योंकि फिलहाल राजनीति के केंद्र में मनीष सिसोदिया हैं, जो सीबीआई और ईडी को चैलेंज करने में जुटे हुए हैं। नीतीश भी ऐसे मौकों पर मौका तलाश रहे हैं और इसी कड़ी में वो हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले। नीतीश की भूमिका कुछ ऐसे नजर आ रही है जैसे कि एनडीए के संयोजक की भूमिका में कभी तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू रहे। एक वो दौर था जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनाने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट करने की जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू ने संभाली थी। उस वक्त बीजेपी से कई पार्टियों को गुरेज था, लेकिन चंद्रबाबू नायडू उदारवादी अटल जी के नाम पर एनडीए का कुनबा जोड़ने में कामयाब रहे। अब नीतीश भी उसी भटके हुए कुनबे को जोड़ने में जुटे हुए हैं, जो कभी पीएम के नाम पर तो कभी अन्य वजहों से एक होने में कामयाब नहीं हो सका है। 2019 का चुनाव उसी का उदाहरण है, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव को नीतीश ही नहीं बल्कि कई सियासतदान राजनीति के आखिरी अवसर की तरह देख रहे हैं। ऐसे में आर पार के इस युद्ध में महागठबंधन नाम का ब्रह्मास्त्र नीतीश तैयार करने की कोशिश में है। खास बात यह है कि सियासी गलियारों में ऐसी सुगबुगाहट है कि नीतीश खुद को विपक्ष की तरफ से पीएम पद का दावेदार बनाना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कह चुके हैं कि उनकी पीएम पद की दावेदारी में कोई इच्छा नहीं है। एक बात तो है, नीतीश चाहे कितनी भी नाना करें, लेकिन उनकी ना में भी हाँ छुपी हुई है और लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो कहीं ना कहीं गाहे बगाहे सामने आ ही जाती है। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेच है, वो ये कि आम आदमी पार्टी पहले ही अरविंद केजरीवाल को अपनी तरफ से 2024 का पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, और आपका मानना है कि केजरीवाल ही पीएम मोदी को सबसे बड़ी चुनौती दे सकते हैं और केजरीवाल ही नीतीश की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। इस पूरी कहानी में नीतीश के लिए असल चुनौती अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर आना है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कांग्रेस के साथ मिलकर एक विपक्षी मोर्चा तैयार करने की कोशिश में है, वहीं आम आदमी पार्टी के भीतर खाने के लोगों का कहना है कि आपको कांग्रेस के साथ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई से हुआ था, और ऐसे में अगर केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं तो आपकी छवि को बड़ा नुकसान होगा। इसी कड़ी में दूसरा पेच ये है कि नीतीश के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू का दायरा सिर्फ बिहार और एक दो राज्यों में चंद सीटों तक सीमित है। वहीं केजरीवाल की पार्टी यानी आप ने पंजाब में तो सरकार बना ही ली है, साथ ही गुजरात के निकाय चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ऐसे में विपक्ष को एकजुट करने के चक्कर में कहीं ये नीतीश कुमार बनाम केजरीवाल ना हो जाए, और विपक्षियों को एकजुट करने की नीतीश कुमार की ये कोशिश विपक्षी दलों के आपसी होड़ की भेंट भी चढ़ सकती है।